विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण टोकाडिया, कुछ जो हम तोड़ देंगे अयोध्या के जैसा, लाखों लोगों को देश से, लाखों हिंदुओं को लेके आएंगे और ये मस्जिद को, चार मीनार के ऊपर जो मस्जिद है उसको तोड़ देंगे अगर पुलिस यहाँ पर रोकेंगी करेंगी बोल के, तो जैसे हम उनके खिलाफ केस बुक करने आए और हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं फौरी उनके खिलाफ केस दर्ज करें। क्या ये कानून जो है सो खाली मुसलमानों के लिए है? ये शिक्षण जो बड़े बड़े जो है सो मुसलमानों के ऊपर लगने के लिए है? क्या वो जो है सो प्रवीण टोकाडिया, बाल ठाकरे, विनय कटियार, अडवाणी मुसलमानों के खिलाफ सरंगेशी कर देते हैं तो उनके खिलाफ जो है सो केस बुक नहीं होता? पुलिस और मीडिया खामोश तमाशा ही बनी हुई रहती। और आप परसों देखिए धोलिया में जो है सो पुलिस फायरिंग हुई, 30-35 बच्चे उनको गोलियां लगे, 6-7-11 बच्चे शहीद हो गए, लेकिन कोई मीडिया पर उन लोगों को बताया नहीं गया। ये जो है सो हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया को भी जो है सो वो जो है सो इंसाफ करे, वो लोगों को मीडिया को जो है सो गिरफ्तार करे उनको जो है सो। ये चार मीनार पीएस में ही बैठकर उन्होंने जो है सो धमकी दिए, ऊपर मस्जिद है चार मीनार के, हम अयोध्या की तरह लाखों हिंदुओं को जमा करेंगे और ये मस्जिद को तोड़ देंगे जो है सो। होना तो ये चाहिए था कि जो है सो पीएस में जो है सो केस बुक करना था, लेकिन जो है सो पीएस में केस नहीं बुक करने की वजह से हम पूरा मन तौर पे आके जो है सो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएस में। जो सो हम सर्कल साहब से, एसीपी, डीसीपी साहब से मिलेंगे, मिलके जो सो हम कंप्लेन करेंगे। अगर हमारे कंप्लेन पे एक्शन नहीं लिया तो फिर हम इसके बाद फर्दर क्या करना है, हम उसके बाद हम जो भी करना है करेंगे। ये सर, विजय सर, खुद के खेत में बच्चों से चाल ना से एक तो आइए आइए ठंडा के पीछे पीछे आरो बार ठंडा रो जरा ईटीवी नीचे करो। सीबीआर हैदराबाद का दौरा करे थे परसों, चार मीनार पर जो मस्जिद है, अगर पुलिस मंदिर में आने से लोगों को रोकी तो ये मस्जिद को, हैदराबाद को अयोध्या बना देंगे बोले, और ये मस्जिद को लाखों हिंदुओं को जमा करके तोड़ देंगे बोल के स्टेटमेंट दिए। हम कंप्लेन करें उनके खिलाफ, कंप्लेन जो है एक्सेप्ट कर लिए और हमारी डिमांड है उनको फौरी गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाया जाए। क्या ये कानून जो है सो बड़े बड़े सिर्फ मुसलमानों के वास्ते है? मुसलमान जो है सो बेकसूर मुसलमानों पर बड़े बड़े दहशतगर्दी के कानून लगा दे रहे आप, लेकिन दहशतगर्द जो है सो जो दिल में मुसलमानों की आज़ादी कर रहे हैं और उनको जो है सो खुलेआम छोड़ दिया जाता, मीडिया भी खामोश रहती, पुलिस और हुकूमत तमाशा ही बने हुई रहती है। हमारा डिमांड है ये प्रवीण टोकाडिया, अडवाणी, ये बड़े टेररिस्ट है हिंदुस्तान के जो है सो, बाल ठाकरे जो मस्जिद को तोड़कर जो है सो ऐलान करे कि इसमें हमारे हाथ में हमारा लात था, लेकिन फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करी। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर जो है सो कुछ भी बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त दफात लगा दिए जाते हैं। और हम जो है सो गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि प्रवीण टोकाडिया को फौरी गिरफ्तार करे और उसको जो है सो सख्त से सख्त सजा दे। हम एक पीसफुली चार मीनार जो हिस्सा इलाका है, इस बात के हम जो सो पीसफुली आके यहाँ पर जो सो लेटर दिए, कंप्लेन करे पीएस में, तो हमारे जो सो कंप्लेन लिए ये लोग और हमको एक्नॉलेजमेंट दिए और ये तयफुन दिए कि जो सो शाम तक हम जो सो FIR इशू करेंगे। हम प्रवीण टोकाडिया के खिलाफ कंप्लेन दिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके बड़ी जहर अफशानी तकरीर करे और ये बोले कि जो सो हैदराबाद में अगर भाग्या मंदिर में अगर मुसलमान अगर पूजा करने से रोके मुसलमान और पुलिस, तो हम जो अयोध्या की तरह यहाँ पर आके सारे कार सेवकों को जमा करके यहाँ